नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। तो ये जो अरिस्टोटल ने जो थ्योरी दी है ट्रेजेडी के बारे में, ये सबसे एक बेसिक कंसेप्ट है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, जिसे एक बेस माना गया है और इसका ही एक्सपेंडेड वर्जन आगे ट्रेजेडी का देखने को मिलता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या दी है अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल कहते हैं कि जो ट्रेजेडी होती है वो इमिटेशन ऑफ एन एक्शन होती है, और वो एक्शन ऐसा होता है जो कि सीरियस होता है, कंप्लीट होता है और एक उसमें सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, और जिस लैंग्वेज में वो लिखी जाती है वो लैंग्वेज पूरा आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स होते हैं, यानी कि जो मेटाफर वगैरह होते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, वो सब उसमें डाले हुए होते हैं, उनसे भरा होता है, और वो नैरेटिव की बजाय एक्शन की फॉर्म में होती है, और पिटी और फियर के थ्रू, यानी कि दया और भय के थ्रू, वो जो ऑडियंस होती है उसका कैथराइसिस करती है, यानी कि उनका प्यूरिफिकेशन करती है, उनके अंदर से एक सफाई का काम करती है। तो ये तो हो गया ट्रेजेडी। तो जो अरिस्टोटल हैं, उन्होंने जो ट्रेजेडी है उसको सबसे बेस्ट फॉर्म माना गया है, मतलब कि आर्ट का उन्होंने सबसे बेस्ट फॉर्म माना है इसको, एपिक से भी इसको ऊपर रखा है उन्होंने। अब बात कर लेते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में। तो इसके टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल होता है उसमें 3 आते हैं, एक पहला है प्लॉट, दूसरा है कैरेक्टर और तीसरा होता है थॉट। और जो एक्सटर्नल होते हैं उनमें होता है डिक्शन, म्यूजिक और स्पेक्टेकल। तो जो पहले 3 हैं जिनका ना जो कि इंटरनल मैंने कहा है, वो इंटरनल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अंदर से आते हैं। तो जो पहला होता है, अभी हम उनको डिटेल में बात कर लेते हैं, जो कि होता है प्लॉट। जो प्लॉट है वो ये जितने भी 6 एलिमेंट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होता है। प्लॉट होता है इमिटेशन ऑफ एक्शन, यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स, और ये करेक्टर से इम्पोर्टेंट होता है। जो अरिस्टोटल हैं वो प्लॉट को ट्रेजेडी की सोल का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो प्लॉट है वही, मतलब जो ट्रेजेडी होती है उसकी एक तरह से आत्मा होती है। प्लॉट यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं, उसे स्टोरी भी कह सकते हैं, और उसका उसे पुराने टाइम में मिथोस का नाम दिया गया है। प्लॉट होता है कि मतलब जो अरेंजमेंट होता है इंसिडेंट्स का, एक यानी कि जो एक स्टोरी फॉर्म होती है उसे प्लॉट बोला जाता है। जितने भी एक्शन होंगे उसमें हीरो के द्वारा, कैरेक्टर्स के द्वारा, वो सब प्लॉट कहलाते हैं। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्लॉट में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है बिगिनिंग, एक होता है मिडल और एक होता है एंडिंग। तो जो बिगिनिंग होती है और जो एंडिंग होती है वो क्या करते हैं, वो जो इसका प्रोटागोनिस्ट होता है उसका जो सर्टेन लेवल से लेके और दूसरे सर्टेन लेवल तक उसके जो एक्शंस है उसको रिफ्लेक्ट करता है। वो कहते हैं कि एक ट्रेजेडी बिना प्लॉट के कभी भी हैपन नहीं हो सकती, हालांकि वो बिना कैरेक्टर्स के हो सकती है। तो वो यहाँ पर प्लॉट और कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं कि जैसे जो अगर सपोज आपने ब्लैक बोर्ड पे चौक लेकर कोई पिक्चर बना दिया, तो वो एक उसकी आउटर लाइन हो गई, वो ज़्यादा सुंदर दिखेगा, रादर देन अगर आप कुछ कलर्स लें और उनको किसी बोर्ड पर ऐसे ही बेतरतीब तरह से लिख दें, मतलब कि प्रिंट कर दें, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो कैरेक्टर होते हैं। तो मतलब बिना प्लॉट के कैरेक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब प्लॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो एक स्ट्रक्चर होता है ट्रेजेडी का। जैसे ह्यूमंस के अंदर एक स्केलेटन सिस्टम होता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्लॉट ट्रेजेडी के अंदर वही काम करता है। अरिस्टोटल कहते हैं कि जो एक वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट होता है वो ना तो एकदम से आरंभ हो जाता है और ना ही एकदम से मतलब हैफेजार्डली ख़त्म हो जाता है, वो एक कुछ प्रिंसिपल होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलता है, और उसके अंदर एक ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स होता है। उसके बाद वो बताते हैं कि एक अच्छे प्लॉट के क्या गुण होते हैं, कि एक अच्छा प्लॉट जो होता है उसमें 3 टाइप की यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है यूनिटी ऑफ एक्शन, दूसरा होता है यूनिटी ऑफ टाइम और तीसरा होता है यूनिटी ऑफ प्लेस। तो बताते हैं कि अगर यूनिटी ऑफ एक्शन उसमें अगर करेक्टली है तो यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस भी अपनी जगह पर अच्छे से रहेंगे और वो एक परफेक्ट प्लॉट कहलाएगा। उसके बाद वो बताते हैं कि प्लॉट के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो होता है जो कि लीनियर मोशन में चलता है, मतलब उसमें कोई उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं होते हैं, जो कंटिन्यू चलता रहता है। और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वो नॉन लीनियर होता है और उसके अंदर जो रिवर्सल ऑफ सिचुएशन होता है, और उसके अलावा एक रिकॉग्निशन भी होता है। तो जो रिवर्सल ऑफ सिचुएशन है उसे पेरिपेटिया भी बोलते हैं और रिकॉग्निशन को एनाग्नोरिसिस भी बोलते हैं। तो
जैसे सिंपल प्लॉट तो कोई सिंपल सी आप कहानी ले लीजिए, और कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कि जैसे आपने हैमलेट जो प्ले है वो तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें अगर आप बात करें कि जो रिवर्सल ऑफ सिचुएशन है वो क्या होगी, अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे कि जो हैमलेट था जब उसको क्लोडियस इंग्लैंड में भेज देता है पढ़ाई के नाम से बेवकूफ़ बना के, और उसका प्लानिंग ये था कि जैसे वो इंग्लैंड पहुंचेगा वो एक साथ में लेटर्स लिखता है कि इसका मर्डर कर दिया जाए, लेकिन जब रास्ते में वो जो शिप था उस पर समुद्री डाकू हमला कर देते हैं और हैमलेट वहाँ से भाग निकलता है, तो वो हो गया रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। मतलब कि जो हीरो था वो बिल्कुल एक लो पोजिशन पे था और कुछ ऐसा रिवर्सल हो गया और वो वापस आ गया। उसके बाद होता है रिकॉग्निशन, ये होता है कि जैसे जब वो प्रोटागोनिस्ट या कोई हीरो होता है उसे रियलाइज़ हो जाता है ट्रूथ का, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है एक्शंस में, तो वो रिकॉग्निशन कहलाता है। जैसे अब हैमलेट को बिल्कुल यकीन हो चुका था कि उसके पिता का कत्ल था वो क्लोडियस ने ही किया था, ये जब उसे बिल्कुल अच्छे से उसका जो कंसेप्ट क्लियर हो गया था तो उसे रिकॉग्निशन कहते हैं, और वो फिर डिसाइड कर लेता है कि अब वो क्लोडियस को मार कर ही रहेगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। उसके बाद वो प्लॉट की इंपॉर्टेंस बताते हुए कहते हैं कि प्लॉट आता होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बाकी जैसे जो अदर टेक्निक होती हैं जैसे कि कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, ये सब उसके सप्लीमेंट्री पार्ट होते हैं, ये उसको बस एम्बोडी करते हैं प्लॉट को। उसके बाद अगला है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के बारे में जो अरिस्टोटल है वो कहते हैं कि ये प्लॉट के बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी ट्रेजेडी में, लेकिन इसको बनाने के लिए चार चीज़ें चाहिए होती हैं। वो सबसे पहली होती है गुडनेस, यानी कि आपका जो मोटिव है वो एक गुडनेस का होना चाहिए, जो कैरेक्टर्स होते हैं यानी आपके अंदर एक मॉरल पर्पज़ होना चाहिए। दूसरा होता है अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएटनेस मतलब कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग दिखाया जाना चाहिए, जैसे कोई मेल है या फीमेल है तो मेल का जो कैरेक्टर है वो मेल के अकॉर्डिंग रहेगा, उसमें फीमेल की क्वालिटीज़ नहीं डाली जाएंगी और ना ही फीमेल में मेल की क्वालिटीज़। जैसे कि जैसे आप अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि जो फीमेल होती हैं वो सुंदर होती हैं और जो मैन होते हैं वो ब्रेव होते हैं, उनके अंदर वैलर होता है, तो आप जो वैलर है उसको किसी फीमेल में इतना ज़्यादा ना डाल दें कि वो इनअप्रोप्रिएट लगे। और तीसरी चीज़ होती है कि वो जो करेक्टर है वो ट्रू टू लाइफ होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक सच्चाई होनी चाहिए। और जो फोर्थ है वो है कंसिस्टेंसी, मतलब कि कोई भी करेक्टर अगर आपने एक तरह से फॉर्म कर दिया तो वो उसी वे में कंसिस्टेंट रहना चाहिए, अगर वो अच्छा है तो अच्छाई के लिए कंसिस्टेंट रहना चाहिए और बुरा है तो बुराई के लिए, हालांकि उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं जैसे जैसे प्लॉट मूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई करेक्टर बिल्कुल शुरू में बहुत अच्छा था और लास्ट में जब एंडिंग हो रही तो वो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो इस प्रकार से वो कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो है थॉट, थॉट होता है कि मतलब फैकल्टी ऑफ सेइंग व्हाट इज़ पॉसिबल, मतलब कि जो करेक्टर होता है उस के लिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या कहना उचित रहेगा, वो मतलब सोचना थॉट के अंडर आता है, मतलब कि किसी सिचुएशन में क्या कहना उपयुक्त होगा, और जो कैरेक्टर होते हैं वो थॉट के द्वारा ही रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद जो फोर्थ है वो होता है डिक्शन, डिक्शन यानी कि किसी चीज़ को कैसे कहा जाता है, यानी कि चूजिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि मतलब जो बात कहनी है उसके लिए कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो डिक्शन है वो आपका फुल ऑफ मेटाफर्स होना चाहिए, मतलब कि उसमें जितने भी फिगरेटिव लैंग्वेज है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी भी डाली जा सके उतनी डाली जानी चाहिए ताकि वो सुनने में एस्थेटिक लगे कानों को। उसके बाद होता है फिफ्थ होता है म्यूजिक, यानी कि उसे आप सॉन्ग भी कह सकते हैं, ये भी ये जैसे कोई ट्रेजेडी होती है उसके अंदर जो म्यूजिक डाला जाता है वो होता है, लेकिन ये भी एम्बेलिशमेंट्स का एक पार्ट होता है, लेकिन जो अरिस्टोटल हैं वो म्यूजिक में जो सॉन्ग्स होते हैं उनको डाले जाने के पक्ष में नहीं थे। उसके बाद जो लास्ट है वो होता है स्पेक्टेकल, ये सबसे जो लेस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ट्रेजिडी का, हालांकि इसका भी अपना एक रोल है, लेकिन ये स्पेक्टेकल क्या होता है, जो विजुअल्स होते हैं जो हम चीज़ें देखते हैं मतलब स्टेज के ऊपर क्या हो रहा है उनको कैसे प्रेजेंट किया गया है उनका विजुअल्स कैसा है उसको स्पेक्टेकल बोलते हैं। जैसे कि थिएटर में जो डांसर्स होते हैं चोरस के अंदर उनका फॉर्मेशन कैसा है, उनके कॉस्ट्यूम्स कैसे हैं, मूवमेंट्स, उनके जो गेस्चर्स हैं, उनके जो हैंड साइंस हैं एक्टर्स के वो कैसे हैं, ये सब स्पेक्टेकल के अंडर आता है, और इसके बारे में एरिस्टोटल ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद जो ये एलिमेंट्स मैंने आपको बताया इन सब का एक उद्देश्य होता है वो क्या होता है, कैथर्सिस। कैथर्सिस क्या होता है कि जैसे एक मेडिकल वर्ड होता है यानी कि बॉडी की अंदर से टॉक्सिन्स को निकालना, बॉडी को बिल्कुल प्यूरीफाई कर देना,
तो कैथारसिस भी इस जो लिटरेरी थ्योरी में एक उसका एक रोल है। कैथारसिस होता है कि वो जो फियर और पिटी के थ्रू जो ऑडियंस है उसका प्यूरिफिकेशन करना, यही जो एक ट्रेजेडी का मुख्य उद्देश्य होता है। ये जो ऑडियंस होती है उनकी फीलिंग्स को रिफाइन कर देता है, उनको बिल्कुल एकदम उनका कचरा बाहर निकाल के उनकी जो सोल होती है, आत्मा है, उसको बिल्कुल शुद्ध कर देता है, और यही एक ट्रेजेडी का मेन फंक्शन होता है। तो दोस्तों ये थी एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ओके दोस्तों, बाय।